वीडियो स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए फिर से एक नई मैथ और ट्रिक के साथ हाजिर हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 60 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जिसे 32 अंक प्राप्त होता है और आवश्यक अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो कुल अंकों की संख्या क्या है? आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाना सीखते हैं। तो हमारा ट्रिक है प्रतिशत माइनस प्रतिशत बराबर अंक प्लस अंक। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि बड़ा प्रतिशत कौन है। तो बड़ा प्रतिशत हमारा 32 है, तो 32% माइनस करेंगे छोटा वाला 20%, तो 20% लिख लेंगे, बराबर देंगे। अब अंक अंक तो कोई भी आगे पीछे छोटा बड़ा जोड़ सकते हैं, 60 प्लस 84। अब इसको क्या लिख करेंगे, माइनस करेंगे 32 में 20, तो 12% तो नीचे हम 100 लिख सकते हैं, यानी कि 12/100, और बराबर देंगे, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 144। अब इसको काट देंगे हम, काटने से 12 कम 12, 12 = 44 है, तो 12 हो गया। अब इधर से हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।